हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी लाइफ में कैरियर की क्या इम्पोर्टेंस होती है एंड कैरियर चूज़ करने टाइम हम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, अपने कैरियर पे किस तरह फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैरियर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। कैरियर हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई चीज़ करें या ना करें, बट अगर आप कैरियर बेस पे आप स्टेबल नहीं हैं तो आपकी लाइफ में एक पॉइंट पे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और अगर बात करें हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं कैरियर चूज़ करने के टाइम पे, तो सबसे पहले तो हमारी गलतियाँ स्टार्ट होती हैं बेस पे, जो कि बेस होता है हमारा 10th और 12th, जहाँ हम लोग को स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होता है। तो स्ट्रीम को सिलेक्ट करते टाइम हम लोग कई बार पेरेंटल प्रेशर में कोई स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, जैसे कोई साइंस में नहीं जाना चाहता या फिर उसको लगता है कि वो नहीं कर पाएगा बट वो साइंस चूज़ कर लेता है, या फिर वो कॉमर्स में जाना चाहता है बट उसको कोई और फील्ड में डाल देते हैं, या फिर स्ट्रीम इसलिए कोई चेंज कर देता है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसमें जा रहे होते हैं, किसी को देख के, किसी को एज अ आइडियल रख के वो उस फील्ड को चूज़ कर लेता है, उस स्ट्रीम को चूज़ कर लेता है। तो यहाँ हम लोग की सबसे पहली गलती होती है। सेकेंडली, कॉलेज चूज़ करने के टाइम पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे हमारी ये गलती सुधर सकती है स्ट्रीम को लेकर के। तो हम लोग सबसे पहले पेरेंटल प्रेशर में रहते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पेरेंट्स कुछ और करने को कह रहे हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कई बार फोकस डिस्टर्ब हो जाता है और क्लैश हो जाती है हमारे पेरेंट्स के थिंकिंग हमसे। इसीलिए वहाँ पे चूज़ किया वो कैरियर जो प्रेशर से हम लोग चूज़ करते हैं वो आगे चल के बहुत हार्म करता है। सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई कैरियर लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट है, बट एट दी एंड आप जब उसमें घुस जाते हैं एंड जब स्टार्ट करने लग जाते हैं उसमें वर्क, तो आपको लगने लगता है कि नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा कई बार होता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है उस कैरियर से रिलेटेड कि आपको क्या करना चाहिए, उस फील्ड में क्या फेस करना चाहिए, क्या फेस आप आगे करोगे। सो गाइडेंस आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर गाइडेंस आप किसी एल्डर पर्सन से ले सकते हैं जो उस फील्ड में ऑलरेडी हो, आप उससे गाइडेंस सीख कर सकते हैं, या फिर आप किसी कैरियर कोच से मिल सकते हैं, क्योंकि कैरियर कोच जो होते हैं वो आपके सारे प्रोज एंड कॉन्स को पता लगा करके, उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन बना करके आपको बताते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपके वीक हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप किस टाइप के कैरियर को चूज़ करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि कैरियर चूज़ करने के बाद उस पर फोकस कैसे किया जाए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, कई बार हम अपने जो पैशन होता है हमारा उसको जब फॉलो करने के लिए निकलते हैं तो कई बार हमें स्ट्रगल करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, हम पीछे हटने लगते हैं कि शायद मैं सही रास्ते पर नहीं जा रहा। तो अगर आप पैशन अपना फॉलो करते हैं और आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है और आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप अपने पैशन को छोड़ भी देते हैं अगर, या फिर किसी और फील्ड पे फोकस करते हैं, तो किसी और फील्ड पे भी स्ट्रगल है। स्ट्रगल आपको हर फील्ड में मिलेगा, ऐसी कोई भी फील्ड नहीं जिसमें स्ट्रगल हो। आपको कुछ टाइम तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड होगी। जब आप स्ट्रगल करेंगे उसकी आपको हैबिट पड़ जाएगी, धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो एक टाइम, एक फेज़ के बाद आप जो है उस स्ट्रगल से जब उठ जाएंगे तो आपको फिर वापस उसमें मज़ा आने लग जाएगा एंड देन आप आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो गलती हम यही करते हैं कि आगे बढ़ने के बजाय, जब उसमें से मुश्किलें जो होती हैं उसको फेस करने के बजाय हम गिव अप कर जाते हैं, जबकि वही एक पीक टाइम होता है कि अगर उससे आप आगे निकल गए तो फिर आपको आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए फोकस अपना बनाए रखें, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपने पैशन को चूज़ करते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप पैशन को अगर चूज़ करते हैं तो आप वो काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, और जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है तो वो आप काम आगे फर्दर करते रहेंगे। बट कई बार मजबूरी में चूज़ किया काम इस तरह से हो जाता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में आने लग जाती है, फ्रेंड्स में आने लग जाती है, डिफरेंसेस क्रिएट होने लग जाते हैं। तो कैरियर को बहुत ही सोच समझ के आप चूज़ करिए, क्योंकि अगर एट द एज ऑफ 20-21 हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है कि कैरियर कौन सा चूज़ किया जाए, बहुत कन्फ्यूजन रहता है,
बट कुछ ऐसा चूज करिए जिसमें आपको लगता है कि आप आगे कर पाएंगे और आपको मजा आ रहा है वो करने में, काम करने में अच्छा लग रहा है बिसाइड्स ऑफ द मनी। पैसा हर कैरियर में है, अगर आप उस पर फोकस करें, उस पर अपना ध्यान लगाएं और उसके टॉप पे पहुंचने के लिए मेहनत करें तो पैसा हर कैरियर में है। कोई ऐसा करियर नहीं है जिसमें पैसा नहीं है, और फेम भी अपने अपने फील्ड में सब में होता है। तो आप सब कुछ छोड़ के अपने दिल की सुनिए, जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो वही काम करिए, इन स्पाइट ऑफ द मनी, इन स्पाइट ऑफ द फीस यू आर गेटिंग, क्योंकि वो आगे चल के इंक्रीज होगी ही होगी। प्रेशर में आके और पैसा देके अगर आप कोई काम चूज करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, आपको अपने करियर के साथ आगे आने वाले 40 या 50 साल स्पेंड करने हैं। तो ऐसा करियर चूज करिए कि आप वो आगे आने वाले 40 इयर्स 50 इयर्स जितने में आप काम करेंगे वो आपको खले नहीं, वो आप रिग्रेट ना करें कि सही टाइम रहते मैंने गलत कैरियर चूज़ कर लिया। अगर सही कैरियर चूज़ किया होता तो आज शायद मैं अच्छे से काम कर रहा होता, अपना काम इन्जॉय कर रहा होता। आप डेली जब सुबह उठें काम पे जाने के लिए तो आप खुशी खुशी जाएं, ना कि आप मजबूरी में जाएं। थैंक यू।